मम विद्यालयम्, मम विद्यालयम्, मम विद्यालयम् नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो आप यहाँ लिखें, मम विद्यालये, विद्यालय अतीव विशालम् अस्ति, अस्य भवनानि श्वेतवर्णानि अस्ति। आपका विद्यालय शायद श्वेत सफ़ेद कलर का ना हो तो आप ये लिख सकते हैं, विद्यालय से वर्ण श्वेता, जो भी रंग हो, पिता पीला, लाल, हरा हरिता, नीला नीला, तो आप उसके आगे लिख सकते हैं। अत्र विंशति अध्यापकः सन्ति, छात्राः अनुशासन प्रियाः सन्ति, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के परि चारों ओर वृक्ष हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ द्वितीय विभक्ति योगी परितः योगी द्वितीय, यहाँ पे विद्यालयस्य, विद्यालय के की जगह मैंने, क्योंकि परितः के साथ द्वितीय लगता है इसलिए यहाँ पे माँ लिखा हुआ, द्वितीय विभक्ति लगी, नहीं तो षष्ठी लगती है, ये नहीं होता विद्या। ये आपको पांच लाइन का मुझे लगता समझ आ गया होगा। मम विद्यालय नाम लिखना है, मम विद्यालय अति विशालम अस्ति, अस्य भवनानि श्वेत वर्णानि अस्ति, अत्र विंशति अध्यापकः सन्ति, छात्राः अनुशासन प्रियाः सन्ति, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति।